दोस्तों नमस्कार। देखिए इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं मैं संगठित क्षेत्र में रोजगार के आंकड़ों को लेकर। यहां पर देखिए एनएसओ की जो रिपोर्ट आई है उस पर हम बात करेंगे कि रोजगार की स्थिति क्या है और किस तरह से देखिए रोजगार कम हुआ है या बढ़ा है। यहां पर देखिए पूरी रिपोर्ट में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो जो भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस साल रोजगार 22% कम मिला है। सर्वाधिक असर देखिए 35 वर्ष से कम उम्र के जो युवा साथी हैं उन पर पड़ा है। यहाँ लड़कियों के रोजगार को लेकर भी यहाँ पर देखिए ज़्यादा कमी दर्शाई गई है। तो इस रिपोर्ट में देखिए पूरा यही है। इस रिपोर्ट को एक एक करके मैं आपके सामने रखने वाला हूं, एक एक तथ्य आपके सामने यहां पर शेयर करेंगे जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि संगठित क्षेत्र के अंदर देखिए रोजगार की स्थिति क्या है। ये एनएसओ रिपोर्ट 2021 आपके सामने जारी हो चुकी है और ये पूरा मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हम आपसे यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखिए इस पूरी रिपोर्ट के अंदर रोजगार की स्थिति को लेकर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने देखिए यहाँ पर नेशनल स्टैटिक ऑफिस एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए यहाँ पर इस साल संगठित क्षेत्र में नौकरियों की कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 देखें यहाँ पर 25 लाख रोजगार कम मिले हैं, यानी कि अगर परसेंटेज में बात करूँ 22% रोजगार यहाँ पर कम मिला है। देखिए यहाँ पर ईपीएफ जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो भी यहाँ पर गिर गई है। पहले यहाँ पर 1,10,00,000 थी, अब देखिए यहाँ पर 85 लाख रह गई है। इससे देखिए पूरा यहाँ पर आपके सामने आंकड़े क्लियर हो गए कि जब ईपीएफओ के जो आंकड़े हैं जहाँ पर जो सब्सक्राइबर कम हो गए हैं तो यहाँ पर देखिए रोजगार ऑटोमेटिक यहाँ पर कम हो रहा है। यही इस रिपोर्ट का मतलब है जो कि आपके सामने यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर अब फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक साल में 22 लाख नौकरियां कम हुई हैं। यहाँ पर देखिए पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए 35 से कम उम्र की युवतियों पर यहाँ पर सर्वाधिक असर पड़ा है। रोजगार यहाँ पर उनको कम मिला है पिछली साल के मुकाबले, जो कि आपको यहाँ पर देखिए लड़कियों को यहाँ पर 2019-20 की तुलना में 20-21 में लड़कियों को देखिए 5.5 लाख रोजगार कम मिले हैं। और प्रतिशत की बात करूँ तो 27% यहाँ पर रोजगार कम है। 19-20 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में देखिए यहाँ पर जो 13% रोजगार कम मिला है, पिछले वर्ष में 13% था, अब देखिए बढ़कर ये 22% हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार की कमी देखिए संगठित क्षेत्र में नजर आ रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है। ये पूरी रिपोर्ट मैंने आपके साथ यहाँ पर देखिए शेयर की है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पर पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज सितंबर 2021 की ये रिपोर्ट है। सितंबर 2021 की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट्स के आधार पर यहाँ पर देखिए आपके सामने सारे आंकड़े यहाँ पर क्लियर हो गए हैं कि देश के अंदर रोजगार की स्थिति क्या है संगठित क्षेत्र के अंदर। और देखिए बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है, ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि कितने बेरोजगार हैं, लेकिन इस कोरोना काल के दौरान कितना रोजगार हाथ से निकला है, मतलब रोजगार के अवसर कम हुए हैं, वो इस रिपोर्ट्स में सामने नजर आ रहा है। फिर आते हैं एक अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।